जो महुआ मित्रों को जिस तरीका से निकाल गया, ये तरीका ही नॉन एथिकल है, क्योंकि वो दर्शन हीरानंदिनी का एफिडेविट, जॉय का कंप्लेन और निशिकांत दुबे का कंप्लेन, देखो कोई भी कंप्लेन का क्रॉस चेक होना चाहिए। कमिटी में ना इधर जॉय का क्रॉस चेक किया, नहीं तो दर्शन हीरानंदिनी को चेक नहीं किया। एफिडेविट के आधार पर कोई भी लोग एफिडेविट देके कह सकता है एक्स और वाई ने मुझसे पैसा लिया, उसका मतलब ये नहीं है पैसा लिया है, इसलिए क्रॉस चेक नहीं किया। और हमने हमारे पार्टी के पक्ष से पार्लियामेंट में यही कहा गया कि इंसाफ नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, जिस तरीका से महुआ मित्र को निकाल गया ये बेबुनियाद था, ये एथिक्स के खिलाफ है, उनको आत्मपक्ष समर्थन के जो अपॉर्चुनिटी वो नहीं दी गया है, ये भाजपा के सदन में मेजोरिटी है और वो मेजोरिटी को वो लोग इस्तेमाल किया, ये बेबुनियाद है, ये नियम का, ये जो सदन का परंपरा है इसका खिलाफ है और हम लोग इसका विरोध करता हूँ। लेकिन ये लोग चुनाव जीता इसलिए इनका अहंग भाव ज्यादा हो गया, अहंकार हो गया और अहंकार से महुआ मित्र को निष्कासित। देखो ये सरकार तो कुछ भी कर सकता है, ये सरकार जब ही अदानी का सवाल आता है सरकार भागते हैं, अदानी का सवाल जो करते हैं आयदर उनको जेल में, आयदर उनका सदस्यता ले जाते हैं, ये सरकार का ही कैरेक्टर है। ये जो सदन जब शुरू हुआ सोमवार को, एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में हमारा भी एक सवाल था जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक एडवाइजर भी इन्वॉल्व है, वो कैसे हुआ, तो वो सवाल आने ही नहीं दिया। तो ये जो जैसे जैसे ही ये सरकार अदानी पर जो सवाल उठाते हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और महुआ के जो महुआ चैप्टर में हमने वही देखा, इसीलिए ये सरकार डरते हैं। हाँ, सरकार जरूर ये हिंदू मुसलमान करके पोलराइजेशन करके चुनाव ध्रुवीकरण करके चुनाव जरूर चुनाव जीतते हैं, लेकिन ये सरकार जो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है।